हेलो दोस्तों, तो चलिए आज हम लोग रिपब्लिक डे में स्पीच किस प्रकार देना है उसको आज हम लोग देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बोलना है कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल, टीचर्स, पेरेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अनुष। यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। आई विश यू ऑल ए वेरी वेरी हैप्पी रिपब्लिक डे। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बोलना है कि टुडे इज 26th ऑफ जनवरी, द रिपब्लिक डे ऑफ आवर कंट्री, वी आर सेलिब्रेटिंग 72nd रिपब्लिक डे, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे फॉर इंडियन पीपुल। ओके, उसका नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलना है कि आफ्टर द हार्ड स्ट्रगल्स एंड सेक्रीफाइसेस ऑफ आवर ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स, इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑन 15th of August 1947। ड्यू टू दीज ब्रेव हीरोज वी आर लिविंग ए हैप्पी लाइफ टूडे, वी शुड नेवर फॉरगेट हिज कॉन्स्टिट्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में बोलना है कि ऑन दिस डे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इन टू फोर्स ऑन 26th जनवरी 1950। The Constitution of India is the supreme law of India. Dr. Bhimrao Ambedkar is the father of the Constitution of India. Republic means that the citizens of the country have the fundamental rights like freedom of speech, education, religion, and many more. उसके बाद आपको लास्ट पैराग्राफ में बोलना है कि वी मस्ट परफॉर्म ऑल आवर ड्यूटीज एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन एंड सपोर्ट कंट्रीज डेवलपमेंट, लेट अस ऑल प्लेज टूडे टू वर्क हार्ड एंड मेक आवर कंट्री द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। उसके बाद लास्ट में बोलना है जय हिंद जय भारत। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।